को आज हम देखते हैं। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वलय मापी रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। तो इसके चार विकल्प है। हमारा पहला विकल्प यानी ए नंबर का, दो समांगी पृष्ठों के मध्यांतर की जांच के लिए। हमारा बी नंबर का विकल्प है छिद्रों की परिशुद्धता की परीक्षण के लिए। और हमारा सी नंबर का विकल्प है स्टड्स या शाफ्ट की व्यास की जांच के लिए। और डी नंबर का हमारा जो विकल्प है उपर्युक्त सभी के लिए। तो हमारा जो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन सभी के लिए, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर डी नंबर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग होगा, यानी किसका उपयोग किया जाता है परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए। तो इसके विकल्प हैं रॉम यानी रैम, ROM रॉम, EPROM EPROM, डी नंबर है हमारा PROM PROM। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा यानी रैम, किसका उपयोग किया जाता है रैम का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मीटर किसके बराबर है, इसके विकल्प हैं 10^-6 माइक्रॉन के बराबर, बी नंबर का है 10^6 माइक्रॉन के, सी नंबर है हमारा 10^-3 माइक्रॉन के, और डी नंबर का आंसर है हमारा 10^3 माइक्रॉन के बराबर। तो हमारा इसका आंसर होगा ए नंबर, एक मीटर किसके बराबर है 10^-6 माइक्रॉन के बराबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गुणसूत्र किससे संबंधित है। तो इसके चार विकल्प हैं श्वसन से, स्वांगीकरण से, अनुवंशिक अभिलक्षणों के संचरण से, पोषण से। तो इसमें क्वेश्चन का जो विकल्प हमारा जो आंसर सही वो है हमारा आंसर नंबर बी। तो गुणसूत्र किससे संबंधित है, स्वांगीकरण से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन है विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है। तो इसके चार विकल्प हैं लाइट तार में, भू संपर्क तार में, न्यूट्रल तार में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा इसका आंसर होगा विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, तो इनमें से किसी में नहीं। तो हमारा इसका आंसर डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अगला हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो इसके विकल्प हैं ए नंबर में मुर्दाखोर, बी नंबर में मृतजीवी, सी नंबर में मांसाहारी, डी नंबर में शाकाहारी। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो हमारा विकल्प या आंसर सही होगा वो डी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, शाकाहारी।